आपने इंसल्ट कर दिया। दो तीन मिनट उनको जाके मैंने कहा कि भाई ठीक है आप रिहा हो गए, अच्छी बात है। मैंने तो किसी सियासी इत्तेहाद की बात की है ना, कोई ये मकसद इसका। साद रिजवी को अपनी मर्जी से फूल पेश किए। एजाज चौधरी कहते हैं TLP से सियासी इत्तेहाद की बात नहीं की, पुलिस शहादतों पर अनोखी वजह पेश कर दी। बोले जब पुलिस से 24 घंटे ड्यूटी लेंगे तो यही हाल होगा। फवाद चौधरी की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, जो जबान गलत होगी इससे एतदाल पसंदी नहीं इंतहा पसंदी बढ़ेगी, ताकत से नतीजा नहीं निकलता, मुजाकरात के लिए मजबूर है। चौधरी सरवर मीशत दान नहीं, ड्राइंग रूम में बैठे लोग बगैर पढ़े टीवी पर बोलते हैं। मुशीर खजाना शौकतरीन कहते हैं कि कर्जों की किस्त अदा करने के लिए IMF जाना पड़ा। IMF की स्टैंप लगती है तो बाकी इदारे भी पैसे देते हैं। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। 3-4 माह बाद पेट्रोल, कोयला, स्टील और खुर्दनी तेल सस्ता होगा। मेरा वोट लाहौर में रजिस्टर्ड था, अब मर्दान में है। पुराने सिस्टम में माफिया बैठे थे, माफिया को खत्म करने के लिए इस्लाहात लाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कोशिश है कि खेलों के ग्राउंड्स का जाल बिछे। खैबर पख्तूनख्वा में 300 और पंजाब में 260 ग्राउंड बना चुके। कोशिश है कि पाकिस्तान आलमी सतह की स्पोर्ट्स में शिरकत करे। हार से दिल बर्दाश्ता नहीं होते बल्कि सीखते हैं। गिर कर खड़ा होने वाले को मुश्किल वक्त में मुकाबला करना आता है। खेलों के सबसे बड़े प्रोग्राम कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का इफ्तिताह। तोहीने अदालत का नोटिस जारी करता तो क्या होता। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि इस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार मेरी गर्दन के पीछे थे। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी दौरान समाअत मुश्तइल हो गए। जस्टिस उमर अता बंदियाल वकील पर बरहम, रिमार्क्स दिए जज्बात की कोई जगह नहीं, ये अंदाज पसंद नहीं आया। आप मुवक्किल को इजाज़त देते रहे कि अदालत की तस्दीक करें, समझाएं, जब वकील मौजूद है तो बात ना करें। जब मुलाकात की कोशिश हुई तो तुहीने अदालत का नोटिस क्यों ना किया, चीफ जस्टिस को भी इतला नहीं दी, क्या ये मिसकंडक्ट नहीं था। आसिफ जरदारी ने बतौर सदर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में कानून के मुताबिक केसेस बनाए। नैब ने आसिफ जरदारी की बरियत की दरख्वास्तों पर जवाब एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। ठट्टा वाटर सप्लाई, मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन रेफरेंसेस की समातें, नैब की आसिफ जरदारी की बरियत की दरख्वास्तों की मुखालफत। अदालत ने आइंदा समात पर दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। समात 16 दिसम्बर तक मुलतवी। MQM पाकिस्तान का बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाज। वसीम अख्तर कहते हैं सिंध पर पाकिस्तान दुश्मन जमात काबिज है, अब एहतजाज खत्म नहीं होगा, जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, सिंधु देश की राह में सीसा पिलाई दीवार बनेंगे। MQM पाकिस्तान के वफद की जमात इस्लामी के मरकज अहमद APC में शिरकत की दावत दे डाली। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि बल्दियाती निज़ाम पर अपोजिशन को एतमाद में लिया, अपोजिशन को मुखालफत करनी है तो करे, फर्क नहीं पड़ता।